नमस्कार, आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर सना। मैं आपको बताऊंगी एआई और टेक वर्ल्ड की बड़ी खबरें। आईआईटी मद्रास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में महिलाओं को 2 साल के लिए रिसर्च इंटर्नशिप का अवसर दे रहा है। इस एआई इंटर्नशिप का नाम विमेन पोस्ट बैकलोरिएट फेलोशिप है और इसे रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड एआई में कराया जाएगा। 28 वर्ष की आयु तक के बेहतरीन एकेडमिक रिकॉर्ड रखने वाले ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस इंटर्नशिप के लिए कुछ और भी नियम हैं, जैसे कि कैंडिडेट ने RBCDS AI से संबंधित फील्ड में 4 साल की बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री पूरी की हो और ऑफर लेटर मिलने के 6 हफ्ते के अंदर वो इसे ज्वाइन कर सकते हो। इस इंटर्नशिप के लिए 40,000 स्टाइपेंड रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अब यूरोपियन यूनियन कानून बनाने पर राजी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने पहली बार कानून बनाने के लिए हामी भरी है। अगर यूरोपियन यूनियन एआई को लेकर कोई कानून बनाता है तो ऐसा पूरी दुनिया में पहली बार होगा जब एआई कानून के दायरे में आएगा। इसे एआई अधिनियम यानी एआई एक्ट कहा जाएगा और ये एआई के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास और जोखिमों को नियंत्रित करेगा। ये कानून एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने का काम करेगा। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला ने कानून को लेकर कहा कि एआई के तेजी से बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून का होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी का हाथ पकड़कर तेजी से विकसित होती दुनिया के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय जीवन का सबसे बड़ा साथी बनता जा रहा है। पर क्या हो अगर एआई का इस्तेमाल लोग एक दूसरे के खिलाफ विनाश को अंजाम देने के लिए करने लगे? पिछले सप्ताह खबरें आईं कि इजरायली रक्षा बल गजा में हमास के खिलाफ जारी युद्ध में हबसोरा नाम की एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बमबारी, निशाना चुनने, हमास के चरमपंथियों के ठिकानों का पता लगाने और पहले से ही मृतकों की संभावित संख्या का अनुमान लगाने के लिए कथित तौर पर किया गया है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य में होने वाले युद्ध का यही भविष्य है। मानव की सहायता के लिए विकसित की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी के विनाश का कारण बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। कई एआई टूल्स तो लॉन्च के बाद से ही काफी चर्चा में हैं। इसके आने से लोगों के कई काम काफी आसान हो गए हैं। एआई से लोग नई भाषाएं सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के बारे में जान रहे हैं, नई नई फोटो क्रिएट कर पा रहे हैं। इससे न सिर्फ स्टूडेंट्स और आम लोगों को बल्कि बड़ी कंपनियों को भी मदद मिल रही है। आजकल कई एआई टूल्स ऑनलाइन फ्री में उपलब्ध हैं, जिनके जरिए लोग अपना काम आसान कर सकते हैं। हालांकि इन एआई टूल्स का उपयोग जालसाजों द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए भी किया जाने लगा है। एक हालिया रिसर्च में एआई एप्स और वेबसाइटों के इस्तेमाल से जुड़े एक नए तरह के अपराध के बारे में बताया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर्स और प्राइवेसी एक्सपर्ट्स इस बात से चिंतित हैं कि लोग एआई एप्स और वेबसाइट का इस्तेमाल महिलाओं की तस्वीरों में छेड़छाड़ करके डिजिटली उनके कपड़े उतारने के लिए कर रहे हैं। इन आपत्तिजनक एप्स का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। सोशल नेटवर्क विश्लेषण कंपनी ग्राफिका की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट बताती है कि अकेले सितंबर महीने में लगभग 24 मिलियन यानी करीब 2.5 करोड़ लोगों ने इन कपड़े उतारने वाले एआई टूल का इस्तेमाल किया है। इस रिपोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति के कारण गैर सहमति वाली अश्लीलता में वृद्धि पर चिंता जताई है। ग्राफिका के मुताबिक इनमें से कई कपड़े उतारने या न्यूड करने वाली सर्विसेज अपनी मार्केटिंग के लिए पॉपुलर सोशल नेटवर्क का उपयोग करती हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। 12 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 GPAI समिट का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देश के लोगों को इस एआई समिट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। पीएम इस एआई समिट का उद्घाटन करेंगे। ये समिट प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलेगा। पीएम मोदी ने लिंक्डइन पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं आप सभी को एक आकर्षक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जो एआई और इनोवेशन के क्षेत्र में प्रगति का जश्न होगा। बता दें कि इस एआई समिट में दुनिया भर के करीब 27 देश हिस्सा लेने भारत पहुंचेंगे। GPAI समिट 2023 में करीब 150 से अधिक स्पीकर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी राय यूजर्स के साथ शेयर करेंगे। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।